वेलकम एवरी वन वी आर डिस्कसिक कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉपिक दबिकेटी सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट आर द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ बेलर बेलर के कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां क्या है ये डिस्कस करना है हमें बेलर कौन है जो व्यक्ति गुड्स को बेल पर देता है दैट पर्सन इज नोन एज बेलर सो बेलर के क्या कर्तव्य एवं जिम्मेदारियां हैं हमारे पास चार गुड्स बेल करते हुए यदि गुड्स में किसी प्रकार का कोई फॉल्ट है कोई दोष है किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है गुड्स में तो बेलर का ये कर्तव्य बनता है कि वो उन फॉल्ट के बारे में उन दोषों के बारे में बेली को डिस्क्लोज करे बेली को वो दोष जो है गुड्स के उनको प्रकट करे ये उसका कर्तव्य है यदि वो ऐसे दोष बेली को प्रकट नहीं करता नहीं बताता बेली को और गुड्स में ऐसे दोषों की वजह से बेली को किसी तरह का नुकसान हो जाता है तो जो बेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे डैमेजेस की भरपाई वो बेली को करे देखिए जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं द फर्स्ट टाइप ऑफ फॉल्ट जिसके बारे में बेलर को ज्ञान है गुड्स में फॉल्ट है, गुड्स में किसी तरह का दोष है और बेलर को उस बारे में जानकारी है बेलर को उन दोषों के बारे में पता है एक केस ये है और दूसरा केस है जहां पर बेलर को गुड्स में अगर कोई डिफेक्ट है तो उस बारे में बेलर को नहीं पता है बेलर को गुड्स में दोष के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है वो अनजान है कि गुड्स में किसी तरह का फॉल्ट है चाहे 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 केस केस हो 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 बेलर को ज्ञान गुड्स में फॉल्ट के बारे में या फिर बेलर को गुड्स में फॉल्ट के बारे में कोई जानकारी ना हो दोनों ही केसेस में बेलर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर बेली को गुड्स में फॉल्ट की वजह से कोई डैमेज हो जाता है कोई नुकसान हो जाता है तो उसके लिए जो बेलर है वो रिस्पॉन्सिबल है बेलर की जिम्मेदारी है उसके डैमेजेस की भरपाई करने की ठीक है जी सो so, यहाँ पर जो बेलर है वो ये एक्सक्यूज नहीं दे सकता वो ये बहाना नहीं मार सकता क्या बहाना नहीं बना सकता कि मुझे गुड्स के दोष के बारे में जानकारी नहीं थी वो ये बहाना नहीं बना सकता चाहे उसको जानकारी हो या फिर उसको जानकारी ना हो दोनों ही केसेस में उसकी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जैसे कि अगर उसको जानकारी होती तो बनती फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स लिए हैं आपके लिए एक एग्जाम्पल रिलेट करता है केस वन के साथ जहां पर बेलर को जानकारी थी गुड्स में फॉल्ट के बारे में और दूसरा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया है दूसरे केस का जहां पर बेलर को जानकारी नहीं थी सो so, दोनों केसेस में देखिए इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एग्जाम्पल वन देखिए राम जो कि बेलर है वो अपना जो हॉर्स है वो शाम को बेल पर देता है बेलमेंट पर देता है राम की राम को जानकारी है कि जो हॉर्स है ये जो राम है जो बेलर है हॉर्स का उसे जानकारी थी कि जो हॉर्स है वो शरारती है और उसका दिमाग बीच बीच में खराब हो जाता है जिस वजह से सामने वाले को नुकसान हो जाता है इस बारे में बेलर को जानकारी थी लेकिन शाम को हॉर्स बेलमेंट पर देते हुए राम ने इस बारे में उसे नहीं बताया जिस वजह से जो शाम है वो घोड़े से गिर जाता है और घायल हो जाता है तो जो भी शाम को घोड़े से गिरने की वजह से जो भी नुकसान होगा उसके लिए राम जिम्मेदार है राम को उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी दिस इज योर एग्जाम्पल वन जहां पर बेलर को गुड्स में जो दोष है उसके बारे में जानकारी है आइए एग्जाम्पल टू देखते हैं महेश ने रमेश को कार दी जो कार की ब्रेक्स थी वो ठीक नहीं थी लेकिन महेश को इस बारे में जानकारी नहीं थी महेश को नहीं पता था कि जो कार की ब्रेक्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रही वो अनअवेयर था वो अनजान था उसे कार के सिस्टम का फेल होने का नहीं पता था लेकिन वो फिर जो कार है वो रमेश को दे देता है और रमेश का एक्सीडेंट हो जाता है अब यहाँ पर क्या महेश ये बहाना लगा सकता है कि उसे इस बारे में जानकारी नहीं थी जी नहीं यहां पर महेश किसी तरह का कोई बहाना नहीं लगा सकता रमेश को हुए किसी भी तरह के नुकसान के लिए महेश जिम्मेदार है So, यहां पर देखिए यहां पर चाहे बेलर को जानकारी हो गुड्स के बारे में फॉल्ट के बारे में चाहे फॉल्ट के बारे में जानकारी ना हो दोनों ही केसेस में जो बेलर होता है उसकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम जो जिम्मेदारी है वो रहती है दिस इज योर केस दिस इज योर पॉइंट वन ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ बेलर द सेकेंड पॉइंट ऑफ द ड्यूटीज इज टू रीपे द ने अब ये क्या है बेली कभी कभी बेलर के बी हाफ पर कुछ खर्चे करता है वो खर्चे जो बेलर को करने चाहिए थे लेकिन बेलर के बी हाफ पर वो खर्चे बेली करता है तो ऐसे खर्चों को चुकाना बेलर का कर्तव्य है देखिए इसमें क्या एग्जाम्पल लिया है फॉर एग्जाम्पल रवि ने अपना हॉर्स मुकेश को बेलमेंट पर दिया है और क्यों दिया है क्योंकि वो कहीं जा रहा है आउट ऑफ द टाउन जा रहा है और वो हॉर्स का ध्यान नहीं रख पाएगा इसलिए वो अपना घोड़ा जो है वो मुकेश के पास छोड़ गया है अब पीछे से जो मुकेश है वो घोड़े को चारा भी खिलाएगा और घोड़े की देखरेख भी करेगा तो चारा खिलाने पर और देखरेख करने पर मुकेश का जो भी खर्चा आएगा वो मुकेश का अपना खर्चा तो नहीं वो मुकेश किसके भी हाफ पर कर रहा है वो मुकेश बेलर के भी हाफ पर कर रहा है ये बेलर के खर्चे हैं जो कि मुकेश कर रहा है तो रवि का यानी कि बेलर का ये कर्तव्य बनता है कि ऐसे खर्चों को वो मुकेश को चुका दे दिस इज द सेकेंड ड्यूटी ऑफ द बेलर नाउ व्हाट इज द थर्ड ड्यूटी टू इंडेम्निफाई द बेली इंडेमनिफाई का मतलब क्या होता है इंडेमनिफाई का मतलब होता है नुकसान की भरपाई करना यदि बेले, बेली को बेलर की वजह से कोई नुकसान हो जाता है तो बेलर का यह कर्तव्य बनता है कि बेली उस नुकसान की भरपाई करे किस तरह का नुकसान बेलर कभी कभी ऐसी गुड्स बेलमेंट पर दे देता है जिसका कि असली मालिक वो खुद नहीं होता उसका असली मालिक कोई और होता है अब असली मालिक किसी और के होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि बेली को कोई नुकसान हो तो ऐसे में जो भी नुकसान बेली को होगा बेलर का ये कर्तव्य बनता है कि उस नुकसान की वो भरपाई करे एग्जाम्पल देखिए ए ने सी को कार दी कि इस कार की नीलामी कर दे तो सी कौन है सी बेली है साथ ही साथ सी जो है वो एक ऑक्शनियर है नीलाम करता है ये नीलामी करता है गुड्स की ठीक है जी लेकिन सी को इस बारे में नहीं मालूम कि जो ए है ये कार उसकी नहीं है ए जो कार का असली मालिक था वो कौन था कार का असली मालिक बी था लेकिन सी को इस बारे में ज्ञान नहीं है कि कार का असली मालिक ए नहीं कोई और है तो जो ए है वो क्या वो जो सी है वो क्या करता है वो सी गुड्स सेल कर देता है कार को सेल कर देता है किसे डी को सेल कर देता है और जैसे ही कार के असली मालिक को इस बारे में पता चलता है कि उसकी कार किसी अन्य व्यक्ति को नीलाम कर दी गई है वैसे ही जो बी है वो सी पर मुकदमा कर देता है कि तुमने ऐसा कैसे किया जबकि कार का रियल ओनर मैं हूं तुम मेरी कार को मुझसे पूछे बिना कैसे बेच सकते हो बी ने सी के ऊपर मुकदमा कर दिया ये नुकसान सी को किस वजह से हुआ ए की वजह से हुआ तो सी ए का यह कर्तव्य बनता है कि मुकदमे की वजह से हुए किसी भी नुकसान के लिए सी को भरपाई करना ड्यूटी ऑफ द फोर्थ ड्यूटी लाइबिलिटी ऑन प्रीमे ब्रीच ऑफ बेलमेंट यदि बेलर समय से पहले समय से पहले बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर दे तोड़ दे तो ऐसे में बेलर की क्या देयता होती है क्या लाइबिलिटी रहती है ये देखना है देखिए यदि समय से पहले बेलर बेली से गुड्स को वापस मांग लेता है एवं उस वजह से बेली को किसी तरह का कोई नुकसान हो जाता है लॉस हो जाता है तो बेलर की लाइबिलिटी क्या बनती है जितना लॉस बेली को हुआ बेलर की वजह से बेली को जितना लॉस हुआ उसमें से माइनस कर दीजिए जितना मुनाफा बेली को होना चाहिए था जितना मुनाफा बेली एक्सपेक्ट कर रहा था उसे माइनस कर दीजिए उतने लॉस की भरपाई जो है वो बेलर को करनी पड़ेगी फॉर एग्जाम्पल यदि बेलर ने कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन कर दिया जिस वजह से बेली को दस हजार का नुकसान हो रहा है दस हजार का नुकसान हो रहा है और प्रॉफिट उसको सिर्फ आठ हजार का ही हुआ था तो प्रॉफिट से ज्यादा तो नुकसान हो गया ना कितना अधिक नुकसान हुआ प्रॉफिट से अधिक नुकसान कितना हुआ दो हजार का ज्यादा नुकसान हुआ इस दो हजार की देयता बनती है किसकी बेलर की बेलर इज रिस्पॉन्सिबल लाइबल टू पे टू थाउजेंड टू द बिल ये आपके चार पॉइंट्स हैं बेलर की ड्यूटीज के व्हाट आर दीज फोर पॉइंट्स रिवाइज करते हैं और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट भी करते हैं टू डिस्कलोज द फॉल्ट इन द गुड्स बेल यदि गुड्स में किसी तरह का कोई दोष है चाहे इस बारे में बेलर को जानकारी है या फिर बेलर को जानकारी नहीं है बेलर को जानकारी है या फिर बेलर को जानकारी नहीं है दोनों ही केसेस में वो जिम्मेदार रहेगा बेली को डैमेजेस पे करने के लिए दूसरा क्या है बेली बेलर के बिहाफ पर जो भी खर्चे करता है उनको चुकाना बेलर का कर्तव्य है बेली बेलर के बिहाफ पर जो भी खर्चे करता है उनको चुकाना बेलर का कर्तव्य है तीसरा पॉइंट क्या है यदि गुड्स के मालिकाना हक की वजह से बेली को कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई करना बेलर का कर्तव्य है ठीक है जी किसमें यदि फॉल्ट हो यदि गुड्स के मालिकाना हक में गुड्स की ओनरशिप में कोई दोष है जिस वजह से बेली को नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई करना बेलर का कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है चौथा कर्तव्य ये है कि यदि बेलर समय से पूर्व कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का उल्लंघन करता है प्रीमेच्योर ब्रीच करता है तो ऐसे में जितना भी लॉस बेली को होगा उसमें से आप माइनस करेंगे जितना गेन उसको हो चुका है या हो सकता था जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको पे करना बेलर का कर्तव्य है नेक्स्ट टॉपिक इज राइट्स ऑफ बेलर राइट्स क्या है अब हमने कर्तव्यों की बात तो कर ली अब हम बात करेंगे अधिकारों की कि बेलर के अधिकार क्या है बेली पर देखिए सबसे पहला अधिकार है कि यदि बेली की लापरवाही की वजह से बेलर को कोई नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई ले सकता है वो बेली से ठीक है जी यदि बेली द्वारा की गई लापरवाही की वजह से हुए नुकसान की भरपाई का अधिकार बनता है बेलर का देखिए जब भी एक बेलर बेली को गुड्स हैंड ओवर करता है बेलमेंट पर तो बेली का यह कर्तव्य बनता है कि वो बेलमेंट पर आई गुड्स का प्रॉपर ध्यान रखे उनका उ, उनकी उचित देखभाल करे और यदि बेली अपना ये कर्तव्य पूरा नहीं कर पाता गुड्स का उचित ध्यान नहीं रख पाता और गुड्स का ध्यान ना रखने की वजह से यदि गुड्स को कोई नुकसान हो जाता है तो बेली बेलर का यह अधिकार है कि वो बेली से हुई हानि का हानि की भरपाई मांग सकता है सेकेंड इज टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट ऑन इनकन्सिस्टेंट यूज बाई द बेली Now what is inconsistent use? आपने उसको गुड्स इस्तेमाल करने के लिए दी थी बेली को लेकिन उसने उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया है इनकन्सिस्टेंट यूज किया है गलत तरीके से इस्तेमाल किया है तो यदि बेली गुड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है तो ऐसे में बेलर का यह अधिकार है कि वो good, कि वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है व्हाट इज टर्मिनेशन टर्मिनेशन मतलब रद्द करना खत्म करना एग्जाम्पल देखिए इसमें ये सतीश जो है वो कार देता है सुरेश को इसकी पर्सनल राइडिंग के लिए चल थोड़ी देर घूमा कुछ दिन के लिए कार में घूम ले। लेकिन जो सुरेश है वो कार को ढोआ ढुहाई के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है माल के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करने लग जाता है अपने बिजनेस के लिए यूज करने लग जाता है उसमें सामान को इधर उधर ले जाने लगता है यहाँ पर जो बेली है वो गुड्स को जो दी गई गुड्स है दैट मींस जो कार है उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा जब बेलर को इस बारे में पता चलेगा तो जो बेलर है वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है टर्मिनेट कर सकता है और अपनी कार को वापस ले सकता है, है यहां पर क्या है इनकन्सिस्टेंट यूज और यहाँ पर क्या है अनऑथोराइज यूज अनऑथोराइज यूज क्या होता है भाई अधिकार दिया था मैंने आपको किसी और चीज के लिए लेकिन आप उसको गलत अधिकार जो अधिकार मैंने आपको दिया है उस अधिकार से परे आप गुड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं आप गुड्स को दिए गए अधिकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं उसे कहते हैं अनऑथोराइज यूज फॉर एग्जाम्पल अगर हम यही सतीश और सुरेश वाला एग्जाम्पल ले जहां पर जो सतीश है वो कार देता है सुरेश को पर्सनल पर्सनल यूज के लिए निजी इस्तेमाल के लिए कार देता है सुरेश को और जो सुरेश है वो खुद इस्तेमाल ना करते हुए अपने किसी परिवार के सदस्य को कार दे देता है और जो कार, जो उस, जो जो कार फैमिली का जो मेंबर है वो उस कार के साथ जब राइड कर रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिस वजह से कार को नुकसान हो जाता है तो यहाँ पर जो सुरेश है वो दिए गए अधिकार के खिलाफ जाकर गुड्स को इस्तेमाल कर रहा है उसे इस्तेमाल खुद के करने के लिए दी गई थी कार लेकिन वो अपने फैमिली मेंबर्स के थ्रू कार को इस्तेमाल करवा रहा है सो यहाँ पर अनऑथोराइज यूज कर रहा है वो कार का यहाँ पर यदि इस वजह से कोई भी नुकसान हो जाता है गुड्स को तो जो बेलर है उसका अधिकार है कि वो नुकसान की भरपाई मांग सकता है दिस इज यो और थर्ड पॉइंट में डिफरेंस क्या है यहां पर हम बात कर रहे हैं inconsistent use की और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अनऑथोराइज यूज की जब इनकन्सिस्टेंट यूज की हम बात करते हैं वहां पर बेलर का अधिकार ज्यादा बड़ा है वहां पर बेलर का अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का लेकिन जहां पर हम अनऑथोराइज यूज की बात करते हैं वहां पर बेलर का अधिकार कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का नहीं हो सकता वहां पर बेलर का अधिकार क्या है सिर्फ और सिर्फ नुकसान की भरपाई पाने का सो so, ये तो केस टू केस डिपेंड करता है हर केस में अलग अलग डिपेंड करता है कि जो गुड्स है उनको इनकन्सिस्टेंटली यूज किया गया है या फिर अनऑथोराइज तरीके से इस्तेमाल किया गया है यदि इनकन्सिस्टेंटली यूज किया गया है तो रद्द करने का अधिकार मिल जाएगा और यदि अनिधि, अन, अनधिकृत तरीके से इस्तेमाल किया गया है तो वहां पर सिर्फ लॉस की भरपाई का ही अधिकार मिल पाएगा ठीक है जी अगला अधिकार क्या है नेक्स्ट राइट ऑफ द बेलर इज कॉम्पनसेशन वेन बेली द गुड्स बेल्ड विद हिज ओन गुड्स अब कभी कभी क्या होता है कि जो बेली है वो बेलर के गुड्स को अपने गुड्स के साथ मिक्स कर देता है मिश्रित कर देता है अब जब बेलर बेली ऐसा करता है तो ऐसे में यदि बेलर को गुड्स को मिक्स करने की वजह से कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई वो बेली से ले सकता है ये उसका अधिकार है देखिए जब बेली बिना बेलर की इजाजत के गुड्स को अपनी गुड्स के साथ मिक्स कर देता है तो यहाँ पर दो केसेस बनते हैं देखिए मैंने गुड्स की मिक्सिंग कर दी अब दो केसेस हो सकते हैं क्या जो मिक्स की गई गुड्स है उसमें से बेलर अपनी गुड्स को पहचान कर अलग कर सकता है या नहीं कर सकता यदि मिक्स की हुई गुड्स में से बेलर अपनी गुड्स को पहचान सकता है आइडेंटिफाई कर सकता है और पहचान कर उनको अलग कर सकता है उनको सेपरेट कर सकता है तो ये केस बन बनता है आपका और दूसरा केस क्या है जहां पर गुड्स मिक्स होने के बाद ना ही बेलर अपनी गुड्स पहचान पा रहा है अब जब पहचान ही नहीं पा रहा तो उसको अलग भी कैसे करेगा तो ना ही वो गुड्स पहचान पा रहा है ना ही वो गुड्स को अलग कर पा रहा है तो ऐसे में आपका केस टू बनेगा अब दोनों केसेस में किस तरह से भरपाई होगी लॉस की ये देखने वाली बात है फर्स्ट केस क्या है जहां पर बेलर अपनी गुड्स को पहचान सकता है आइडेंटिफाई कर सकता है और पहचान कर अलग कर सकता है सेपरेट कर सकता है वहां पर बेलर का अधिकार क्या है सिर्फ और सिर्फ सेपरेशन एक्सपेंसेस का गुड्स को अलग करने में जो खर्चा आएगा सिर्फ उतनी भरपाई पा सकता है वो बेली से ठीक है जी क्योंकि गुड्स तो उसको मिल ही गए अपने गुड्स उसने पहचान कर अलग कर लिए तो जो गुड्स का खर्चा है वो नहीं मिलेगा उसे गुड्स को अलग करने के ऊपर जो भी खर्चा आएगा उसकी भरपाई उसे मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल गुड्स दस हजार की थी और सेपरेशन कॉस्ट जो गुड्स को अलग करने का जो खर्चा आया वो एक हजार का आया So यहाँ पर उसको अपनी गुड्स तो मिल ही गई तो वो बेली से दस हजार रुपए डिमांड नहीं कर सकता फर्स्ट केस में गुड्स को अलग करने का जो भी खर्चा आया है सिर्फ उसको वही मिल पाएगा उसे सिर्फ एक हजार की ही भरपाई मिल पाएगी लेकिन यदि हम दूसरे केस की बात करें गुड्स को नहीं पहचाना जा सकता और पहचानकर अलग नहीं किया जा सकता अब जो गुड्स हैं वो बेलर को नहीं मिल पाई हैं। सो यहाँ पर बेलर का अधिकार है कि वो गुड्स की गुड्स की कॉस्ट की भरपाई ले सकता है पूरे के पूरे गुड्स की भरपाई ले सकता है उसे दस हजार की भरपाई मिल सकती है बेली से दिस इज़ योर फोर्थ पॉइंट पर जो गुड्स हैं वो बेली द्वारा मिक्स कर दी जाती हैं अपनी गुड्स के साथ देन कम्स योर पॉइंट फाइव ऑफ द राइट्स राइट टू गेट द गुड्स बैक गुड्स को वापस पाने का अधिकार जैसे ही बेलमेंट की अवधि खत्म हो जाएगी निर्धारित अवधि के समाप्त होने पर बेलर का यह अधिकार बनता है कि वो गुड्स को वापस पा सके दिस इज क्वाइट एन इजी राइट आसान सा राइट है ये कि बेलमेंट का समय खत्म होने पर गुड्स को वापस पाने का अधिकार है उसका एंड द लास्ट पॉइंट इज योर पॉइंट नंबर सिक्स राइट टू इंक्रीज और प्रॉफिट फ्रॉम गुड्स बेल गुड्स को बेलमेंट पर दिया हुआ था और बेलमेंट के दौरान गुड्स बढ़ गई गुड्स बढ़ गई या फिर गुड्स के ऊपर कोई मुनाफा हुआ तो वो जो बढ़ोतरी है गुड्स में जो बढ़ोतरी हुई है या गुड्स में यदि मुनाफा हुआ है तो उस बढ़ोतरी या मुनाफे का हकदार कौन है उस बढ़ोतरी या मुनाफे का हकदार बेलर ही है क्योंकि गुड्स का मालिक कौन है बेलर इज़ द ओनर ऑफ द गुड्स यदि गुड्स बढ़ जाती है या फिर गुड्स के ऊपर कोई मुनाफा हो जाता है तो बेली ये नहीं कह सकता कि ये जो बढ़ोतरी हुई है ये मेरी वजह से हुई है इस बढ़ोतरी का हकदार बेली नहीं बन जाएगा एग्जाम्पल से समझ में आएगा ये पॉइंट देखिए जो राम है वो अपनी गाय राज को देता है बेलमेंट पर अब जब ये गाय राज के पास थी उस टाइम गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया यहाँ पर जो गुड्स है वो बढ़ गई है जो काउ है उसकी वजह से एक मुनाफा हुआ है बढ़ोतरी हुई है किसकी एक बछड़े की बढ़ोतरी हुई है क्या इस बछड़े पर राज अपना हक जता सकता है बिल्कुल नहीं जता सकता क्योंकि राम का ये राइट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने राम को ये राइट दिया है ये अधिकार दिया है कि बेलमेंट की अवधि के दौरान यदि गुड्स में किसी तरह का मुनाफा या बढ़ोतरी होती है तो उसका जो हकदार रहेगा वो बेलर ही रहेगा ठीक है जी ये आपके छ पॉइंट्स हैं राइट्स ऑफ बेलर के आइए हाईलाइट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट की सबसे पहला अधिकार क्या है बेलर का कि बेली की लापरवाही की वजह से बेली की लापरवाही की वजह से यदि बेलर को कोई नुकसान हो जाता है तो वह उसका वह उस लॉस की भरपाई पा सकता है दूसरा यदि बेली गुड्स को इनकंसिस्टेंटली इस्तेमाल करे इनकंसिस्टेंटली का मतलब क्या है गलत तरीके से यदि वो गुड्स को इस्तेमाल करे तो बेलर का अधिकार है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट को रद्द कर सकता है खत्म कर सकता है तीसरा पॉइंट है यदि बेली गुड्स को अनऑथोराइज तरीके से इस्तेमाल करे जितना अधिकार दिया गया है उस अधिकार से अधिक या उस अधिकार के खिलाफ जाकर वो गुड्स को इस्तेमाल करे तो बेलर का अधिकार है कि वो लॉस की भरपाई पा सकता है यहाँ पर उसको सिर्फ कॉम्पनसेशन मिलेगी वो कॉन्ट्रैक्ट को रद्द नहीं कर सकता नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्पनसेशन वेन बेली द गुड्स जब बेली गुड्स को मिक्स कर देता है अपनी गुड्स के साथ तो बेलर को लॉस की भरपाई मिल सकती है लेकिन यहाँ पर फिर से दो केसेस हैं कितने लॉस की भरपाई मिलेगी ये देखने वाली बात है ये डिपेंड करता है आपके फर्स्ट केस पे और सेकंड केस पे फर्स्ट केस कहा क्या है जहां पर बेलर अपनी गुड्स को पहचान सकता है आइडेंटिफाई कर सकता है और उनको सेपरेट कर सकता है उनको अलग कर सकता है तो वहां पर उसको सिर्फ अलग करने का ही खर्चा मिलेगा लेकिन दूसरा केस क्या है जहाँ बेलर अपनी गुड्स को ना पहचान सकता है ना ही पहचान सकता है और ना ही गुड्स को अलग कर सकता है वहां पर उसे पूरी की पूरी गुड्स की जो भरपाई है वो मिलती है पांचवा अधिकार क्या है गुड्स को वापस लेने का अधिकार जैसे ही बेलमेंट की अवधि खत्म हो जाएगी तो बेलर का अधिकार है कि वो गुड्स को वापस ले सकता है यदि बेलमेंट के दौरान गुड्स में किसी तरह की बढ़ोतरी हो जाती है या फिर गुड्स की वजह से कोई प्रॉफिट हो जाता है तो उस बढ़ोतरी या मुनाफे का अधिकार किसका है बेलर का है